अब जो हमारी प्रायोरिटी है, सबसे पहले तो था लोगों को रेस्क्यू करना, वो रेस्क्यू किया है, रिलीफ देना, उसमें मैं मानता हूँ 100% नहीं हो सका है, और इतनी बड़ी आजमाइश थी कि 100% करना हमारे लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश की है लोगों तक पहुँचने की। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हर एक आदमी तक कोई ना कोई हुकूमती नुमाइंदा, चाहे वो हुकूमत का सरकारी अफसर हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहदेदार वर्कर MPA MNA हो, वो पहुँचा ज़रूर है, कुछ मदद की है। और वो इतनी ज़्यादा, जब मैं आपको एक सिर्फ दूँ एग्ज़ाम्पल, तो हमें कम से कम 15 लाख टेंट चाहिए और हम इस वक्त 4 लाख से ज़्यादा नहीं अरेंज कर सके। मैंने कई बार कहा है कि लोग मुझसे लड़ते हैं जब जाता हूँ, मुझे बुरा नहीं लगता है, इसलिए कि वो तकलीफ़ में है इस वक्त। मुझे मीडिया के सवाल भी बुरे नहीं लगते हैं, मुझे बुरा तब ज़रूर लगता है जब आप इस वक्त में ऐसे सियासी सवाल मुझसे करेंगे कि जी इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन के लिए आप तैयार हैं कि नहीं है। इस वक्त हमारे ये सोच में ही नहीं है, इस वक्त हम रिलीफ के पीछे हैं। अब हमारी प्रायोरिटी क्या है कि हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मलेरिया और जो वाटरबॉर्न डिजीज़ हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, स्किन डिजीज़ हैं, वो फैल रही हैं, उसके लिए हमने इंटरनेशनल मदद भी मांगी है और हम लोकली भी अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद 3-4 बार चक्कर लगा के गए हैं सूबे सिंध में। उसके बाद हमारी प्रायोरिटी है कि हम पानी सेफली हर जगह से निकालें। तकरीबन 130 मिलियन एकड़ फिट पानी पड़ा है, रोज़ाना के हिसाब से इस वक्त दरिया में 2 लाख क्यूसिक पानी जा रहा है। सिंध का वज़ीर आला हूँ जी, मेरा गांव, मेरी पूरी तहसील डूबी हुई है। सर्वे का काम हमारा, इरिगेशन का भी प्रिलिमिनरी हो गया है, रोड्स का भी हो गया है, लोगों के घरों का भी हो गया है, अब एक फाइनल सर्वे होगी जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम कर रहे हैं और वो शुरू हो गई है।